नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। पटना एयरपोर्ट पर एंट्री और एग्जिट का रास्ता बदलने वाला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये एंट्री का रास्ता है। पहले आप ये एंट्री, जो भी गाड़ियां हैं, जो चाहे वो चार चक्का वाहन हो, चाहे वो निजी वाहन हो, चाहे कोई भी यात्री पैदल आते हों, पटना एयरपोर्ट पर दाखिल इसी रास्ते से होते हैं और फिर अंदर आते हैं, पटना एयरपोर्ट के परिसर पर आते हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, जहाँ पर लगातार आपको दिख रहा हो कि गाड़ियाँ जो हैं, चाहे वो चार चक्का वाहन हो, चाहे वो दो चक्का वाहन हो, इसी रास्ते से पटना एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में रास्ता जो है पटना एयरपोर्ट पर बदलने वाला है। बदलने की वजह यह है कि पटना एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य चल रहा है। पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पटना एयरपोर्ट पर चल रहा है। ये रास्ता होते हुए आप दूसरी छोर तस्वीरों में देखिएगा कि ये रास्ता आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आगे जाता है और सीधे अब है एयरपोर्ट परिसर, गाड़ियाँ वहाँ तक जाती है। लेकिन आने वाले वक्त में ये रास्ते को आगे से बंद कर दिया जाएगा और जो रास्ता है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि कहाँ तक जाएगा। दरअसल आपको बता दें, एयरपोर्ट का जो नया रास्ता है, वो जो मैंने आपको दिखाया था, वो इधर ही से आएगा। दरअसल आप फिर से एक बार देखिए कि वो जेसीबी मशीन आपको दिख रही है, वो रास्ता इधर से होते हुए, जो भी जो चालक हैं, दो पहिया वाहन चाहे चार चक्का वाहन, चाहे वो पैदल यात्री ही क्यों ना हो, वो इसी रास्ते से आएंगे और गाड़ी जो है फोर व्हीलर जो भी है, टू व्हीलर, यहाँ पर पार्क की जाएगी। अब दूसरी छोर ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे एंट्री गेट है, मुख्य एंट्री गेट है पटना एयरपोर्ट का, पर जहाँ पर यात्री अंदर जा रहे हैं, यहीं पर गाड़ियाँ पार्क होंगी और डायरेक्ट यात्री उतर कर इसी तरीके से जाएंगे। नए एंट्री और जो निकलना होगा, जिन यात्रियों को पटना एयरपोर्ट से बाहर निकलना होगा, वो इसी रास्ते से आगे की छोर से होते हुए पटना एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। कुल मिलाकर कहें तो पटना एयरपोर्ट पर 3 से 4 दिनों बाद ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। व्यवस्था लागू होते हुए जो पटना एयरपोर्ट पर अंदर दाखिल होने का रास्ता है और जो बाहर निकलने का रास्ता है, उसमें तब्दीली की गई है। तब्दीली की जो वजह है वो ये है कि पटना एयरपोर्ट परिसर पर लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं और इसी के मद्देनज़र जो एंट्री का जो रास्ता है और जो एग्ज़िट का रास्ता है, वो बदला जा रहा है। दरअसल इस बदलाव का फ़ायदा भी यात्रियों को हो रहा है, क्योंकि ये होगा, क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि जो चार चक्का वाहन है वो डायरेक्ट एयरपोर्ट परिसर के बिल्कुल करीब आ जाएंगे और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो चार चक्का वाहन है यहाँ पर पार्क होंगे, अपने जो यात्री हैं वहाँ पे उतरेंगे, फिर चार चक्का वाहन उन्हें छोड़ कर चला जाएगा और डायरेक्ट एयरपोर्ट परिसर के मुख्य एंट्री गेट से वो अंदर दाखिल हो जाएगा। यानी कुल मिला के कहें कि जो भी वाहन है वो पटना एयरपोर्ट के करीब, परिसर के करीब आएंगे और जो एग्ज़िट का जो रास्ता है वो भी बिल्कुल स्मूथ बनाया गया। जैसे आप जो निकलते हैं यात्री, वो निकलकर डायरेक्ट जहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार चक्का वाहन बाई सीरीज लाइन में लगे हुए हैं, वहीं पर गाड़ियाँ होंगी और वहीं से डायरेक्ट वो सीधे एग्ज़िट की ओर चले जाएंगे। कुल मिला के कहें तो अभी फ़िलहाल कल से इसका ट्रायल चलेगा 3-4 दिनों के लिए और ट्रायल ख़त्म होने के बाद इसे उम्मीद जताई जा रही है कि 4 दिन बाद इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा, नए एंट्री और नए एग्जिट रास्ते को। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। पटना एयरपोर्ट से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको दिखाते रहेंगे।